हाय हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं शुभांगी फिर से एक बार आपके सामने लेकर आई हूँ आज की 10 बड़ी बॉलीवुड हेडलाइंस। तो आइए शुरू करते हैं आपके लिए आज का काउंटडाउन। नंबर 1, देश में ईद उल फितर का त्यौहार बड़ी खुशियों से मनाया जा रहा है और बॉलीवुड स्टार्स ने भी सोशल मीडिया पर अपने फैंस को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने सभी से अपने घर रहने का भी आग्रह किया क्योंकि भारत कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर की लड़ाई जारी रखे हुए है। आपको बता दें कि अक्षय कुमार, कंगना रनौत, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर सहित कई बॉलीवुड स्टार्स ने अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ईद की विशेष दी। नंबर 2, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच अनुष्का शर्मा और उनके हस्बैंड विराट कोहली ने फंडराइजर शुरू किया था। उन्होंने 7 दिन के अंदर 7 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट रखा था, हालांकि बाद में उन्होंने इसे बढ़ाकर 11 करोड़ कर दिया था। और इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने इस टारगेट को क्रॉस करते हुए कुल 11,39,11,820 रुपए जमा कर लिए हैं। अनुष्का ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर सभी दानदाताओं को शुक्रिया अदा भी किया है। नंबर 3, 13 मई को रिलीज हुई रेडियो मोस्ट वांटेड भाई के प्रमोशन में बिजी सलमान खान ने अपने फैन से जल्द कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है। उन्होंने एक बातचीत में कहा है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन मुझे लगता है कि जब तक एक भी इंसान को कोरोना है स्थिति जस की तस रहेगी, ये बंद होना चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब सभी लोगों को वैक्सीन लग जाए। सलमान ने बताया कि उनके पेरेंट्स के दोनों डोसेज पूरे हो चुके हैं और 10 दिन बाद वो खुद भी दूसरा डोज लेने जाएंगे। सलमान के मुताबिक वो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं और अगर उन्हें वैक्सीन मिल जाती है तो वो लोगों की जरूर मदद करेंगे। नंबर 4, दंगल फिल्म डायरेक्टर नितेश तिवारी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट रामायण को लेकर काफी समय से लाइमलाइट में हैं। हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि फिल्म में ऋतिक रोशन रावण और महेश बाबू राम का किरदार निभाएंगे और अब इसकी फीमेल लीड के नाम पर कयास लगने शुरू हो गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो माँ सीता के रोल के लिए दीपिका पादुकोण और करीना कपूर के नामों पर विचार चल रहा है। अगर करीना या दीपिका दोनों में से कोई भी इस फिल्म को करने को तैयार होता है तो वो सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस बन सकती हैं क्योंकि फिल्म काफी बड़े बजट पे बन रही है। हालांकि अभी तक इस पर ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा गया है। नंबर 5, विवेक ओबेरॉय एक्टर होने के साथ साथ सोशल वर्कर भी हैं और हाल ही में उन्हें मुंबई पुलिस और एक एनजीओ ने खासतौर पर जुहू पुलिस स्टेशन के परिसर में इनवाइट किया था जहां लॉकडाउन से पीड़ित गरीब और जरूरतमंद लोग जमा हुए। विवेक ने वहां पहुंचकर सभी जरूरतमंदों को दाल, चावल, आटा, शक्कर, चाय पत्ती और बिस्किट जैसी जरूरी चीजें बांटी। इतना ही नहीं, विवेक ने इस दौरान सभी का हाल चाल भी पूछा। हालांकि सामान के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब मीडिया ने विवेक से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई भी कमेंट करने से इनकार कर दिया। नंबर 6, सलमान खान की राधे दुनिया भर के थिएटर्स और ओटीटी डीटीएच पर पे पर व्यू सर्विस के तहत 13 मई को रिलीज हुई है और रिलीज होने के कुछ घंटे बाद ही राधे इंटरनेट पर लीक हो गई। कई टोरेंट साइट्स और टेलीग्राम ऐप से राधे के पायरेटेड वर्जन को फ्री करके लोग डाउनलोड करके देख रहे हैं। तो वहीं सलमान ने फिल्म रिलीज होने से एक दिन पहले ही एक वीडियो क्लिप जारी कर फैंस से अपील भी की थी कि पायरेसी से दूर रहें और फिल्म को सही प्लेटफॉर्म पर ही देखें। नंबर 7, प्रियंका चोपड़ा की ही तरह उनकी जेठानी सोफी टर्नर भी एक जानी मानी एक्ट्रेस है और इसी बीच सोफी फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल प्रियंका की जेठानी सोफी टर्नर पेपराजी से नाराज है। उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया है। सोफी और उनके पति जो जोनस अपनी बेटी बिला जोनस को लाइमलाइट से दूर रखना चाहते हैं। वहीं हाल ही में जब जो जोनस और उनकी पत्नी सोफी टर्नर अपनी बेटी बिला को लेकर बाहर निकले तब पेपराजी उनके पीछे पड़ गए और बिना उनकी इजाजत उनकी बेटी की पिक्चर्स लेने लगे और इसी बात पर सोफी टर्नर ने अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर शेयर की। नंबर 8, पिछले दिनों दिल्ली के अस्पताल से एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लड़की अस्पताल के बेड पर डियर जिंदगी फिल्म का गाना लव यू जिंदगी सुनते हुए झूम रही थी और सभी उसके हौसले की तारीफ कर रहे थे। लेकिन अब अस्पताल की डॉक्टर ने बताया है कि कोरोना से जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही ये लड़की कोरोना से जंग हार गई और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सोशल मीडिया पर इस लड़की की मौत पर यूजर्स ने भी शोक जताया और बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को भी जब इस बारे में पता चला तो वो भी सदमे में रह गए। मोनिका की ट्वीट पर सोनू ने रिएक्शन देते हुए लिखा, बहुत बहुत दुखद, कभी नहीं सोचा था कि वो अपने परिवार को दोबारा देखने में सक्षम नहीं होगी। जिंदगी बहुत अन्यायपूर्ण है, कितने ही जीवन थे जो जीने के लायक थे लेकिन खो दिए। ये मायने नहीं रखता कि हमारी जिंदगी कितनी ही सामान्य क्यों ना हो जाए लेकिन हम इस दौर से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। नंबर 9, हिंदी फिल्म सिनेमा में अपनी स्थापना के 50 साल पूरे होने का दुनिया भर में जश्न मनाने की तैयारी किए बैठे यशराज फिल्म्स ने इस जश्न की रकम अब कोविड-19 से प्रभावित लोगों की भलाई में खर्च करने का फैसला किया है।
यशराज फिल्म्स ने अपने जश्न के इस करोड़ों के बजट से उन लोगों को खाना पहुंचाना शुरू कर दिया है जो मुंबई के क्वारंटीन सेंटर्स में रखे गए हैं। जानकारी के मुताबिक कोविड 19 की दूसरी लहर से मची तबाही को देखते हुए और फिल्म इंडस्ट्री के दोबारा बंद होने की वजह से वायरा 50 के जश्न वाले पूरे बजट को दिहाड़ी कामगारों को राहत पहुंचाने में खर्च करने का फैसला लिया गया है। एंड नंबर 10, क्रिकेटर इरफान पठान ने कंगना रनौत के उस तंज पर पलट पार किया है जिसमें उन्होंने उन पर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर अपना नजरिया ना रखने के लिए निशाना साधा था। दरअसल हाल ही में जब इसराइल ने फिलिस्तीन पर हमला किया तो इरफान ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में पोस्ट किया था और कंगना ने इसे लेकर ही उन्हें निशाने पर लिया था और पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर कोई पोस्ट ना करने को लेकर सवाल उठाया था। अब इरफान ने सोशल मीडिया पोस्ट लिखा है, मेरी सभी पोस्ट या तो इंसानियत के लिए थी या फिर देश के लोगों के लिए। ये उस आदमी का नजरिया था जिसने उच्च स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उसके उलट मुझे कंगना जैसे लोगों जिनका अकाउंट नफरत फैलाने की वजह से सस्पेंड किया जा चुका है और कुछ और ऐसे ही पेड अकाउंट से सुनना पड़ा जो सिर्फ नफरत फैलाते हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।